हेलो दोस्तों, आप सबों का इन्फोटेक चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको नाप और माप में क्या अंतर है इसके बारे में बताएंगे। ये दोनों लगभग एक ही समान बोले जाने वाली भाषा है और दोनों का जो अर्थ है वो भी लगभग समान है। फिर भी हिंदी के अर्थ में नाप और माप का जो प्रयोग है वो अलग अलग की जाती है। अब अक्सर हम लोग इसमें गलती कर जाते हैं कि जहाँ माप लगेगी वहाँ नाप लगा देते हैं, जहाँ नाप लगेगी वहाँ माप लगा देते हैं। जैसे इसमें मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जमीन, कपड़ा, दूध, तेल, लकड़ी। अब इसमें से आप बता पाएंगे किसमें नाप लगेगा और किसमें माप होगा, किसकी नाप ली जाती है और किसकी माप ली जाती है। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आपको जिस वस्तु की लंबाई लेने होती है उसे नाप कहते हैं। और जिस चीज की मात्रा लेने होते हैं उसमें हम लोग माप का प्रयोग करते हैं। अब जैसे जमीन जमीन को तो हम लोग लंबाई ही नापेंगे, तो इसलिए इसमें हम लोग नाप का ही प्रयोग करेंगे और ये जो व्याकरण की दृष्टि से है वो नाप ही सही होगा, नहीं कि माप है। कपड़े की लंबाई लेनी होती है, इसमें भी आपको नाप का प्रयोग करना पड़ेगा। दूध के तो लंबाई ले नहीं सकते, इसको हम लोग मात्रा निकालेंगे, इसमें हम लोग माप का प्रयोग करेंगे। तेल की भी लंबाई नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको माप का प्रयोग करेंगे। लकड़ी की लंबाई हम लोग ले सकते हैं, तो इसलिए इसमें हम लोग नाप का प्रयोग करेंगे। ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ है और इसको अक्सर हम लोग मिस्टेक कर जाते हैं कि नाप और माप में अंतर उसमें नहीं कर पाते हैं। जहाँ मन जो आता है उसमें हम लोग नाप लगा देते हैं, कभी ज़मीन में भी माप लगा देंगे, कपड़ा में भी माप लगा देंगे। तो इस प्रकार इसमें थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाती है, तो इसे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।